किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का मजाक बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। अब जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेज ले की गाड़ी। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है, आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अपत्रता भी की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अपत्रता यहाँ टिप्पणी की है और हम जब थाना अध्यक्ष जी से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। अब जब नेताजी ने कह दी ये बात तो कार्यकर्ता क्यों न माने, समर्थक क्यों न माने, उन्हें पक्के तौर पर लगा सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और खुला खेल फरुखावादी वाले मुहावरे को सुन करके वो उसको सीरियसली लेकर के चल दिए। यूपी के फरुखाबाद ने गले में पीला गमछा लगाकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक नेता जब थाने पहुंचे तो पुलिस को नेता के चेहरे पर मंत्री ओपी राजभर का चेहरा शायद नहीं नजर आया। ऐसा सुलूक किया कि पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप, इनको जो है पुलिस के द्वारा बुला करके अभद्रता की गई। पार्टी का एक अंगोछा है जो हमारा पार्टी का सम्मान मान सम्मान है, इसको जो है इन्होंने छीना गया उनके हाथ से और गले से उतारा गया, जो मोबाइल छीना गया। दूसरी चीज ये कि अभद्रता की गाली गलौज किया गया। गाली गलौज करने का कारण क्या था, अगर कोई बात अगर बनती है तो उनको बैठाल के आराम से बात की जा सकती थी। अब फिर उस बयान की तरफ चलते हैं जिसमें पीले गमछे की पावर की महिमा ओम प्रकाश राजभर, ओपी राजभर, उत्तर प्रदेश सरकार में नए नवेले मंत्री ने अपनी रैली में लोगों को बताया था, और शोले में जैसे गब्बर की याद दिलाई जाती है वैसे उन्होंने अपने पावर की याद दिलाई थी। उस बयान को सुन रखा हो तो एक बार फिर से सुनिए और फिर उस कार्यकर्ता की हालत पर थोड़ा सा तरस खाइए। आप शोले फिल्म देखते हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जमीनी नेता की कोई गलती नहीं है, जिनका गमछा और मोबाइल थाने में रखवा लिया गया। गलती बस इतनी है कि अपने नेता के बयान पे उन्होंने पूरा यकीन कर लिया। करते भी कैसे ना, उन्होंने बता रखा था कि योगी के बाद यूपी में पावर अगर किसी के पास है तो उन्हीं के पास है। देश की बात करें तो जिन दो लोगों के पास है पावर उनका सीधा कनेक्शन उनसे है। सुन लीजिए ओपी राजभर को एक बार फिर से। जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। आज इस देश में सबसे बड़ा पावर कहाँ है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के, दो लोगों के पास पावर है, और ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहाँ जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। कार्यकर्ता ने एक गलती की और वो भूल गया कि ओपी राजभर अपने कहे पर खुद भी नहीं टिकते। योगी के मंत्री थे, इस्तीफा दिया, सीएम योगी को निशाने पर लेते थे, क्या क्या नहीं कहा, बाबा जी से घंटा बजवाएंगे, तमाम तरीके की बातें कहीं, फिर जो है पलट कर आ गए, पीला गमछा लपेटा, फिर उसके बाद जो है अखिलेश को बोले सैफई भिजवा देंगे, तो उनकी राजनीति खुद ही इधर बीच काफ़ी पलटी खाई है। पुलिस वाले ने उनके कार्यकर्ता को लपेट दिया, सारा जादू बेकार हो गया। पीला गमछा लगवा के दरोगा जी नेताजी की शक्ल नहीं नजर आई तो अब उसमें क्या करें? सफेद गमछा नहीं एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का मजाक बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। इस खबर के लिए फरुखाबाद से इनपुट दिया था फिरोज खान ने, खबर लिखी थी गौरव ताम्रकार ने, मैं हूं अभिनव पांडे और ये
ओपी राजभर के स्टाइल की पॉलिटिक्स है जिसको हर कोई समझ जाए तो बड़ी बात है। ओपी राजभर एक तरीके से आप देखेंगे तो अपने लोगों को साधने में महारत हासिल है, और ओपी राजभर की एक ताकत ये भी जानकार बताते हैं कि वो अपने वोट बैंक को इधर से उधर शिफ्ट करने का भी मादा रखते हैं। वो उन्हीं की भाषा में उनसे अपनी संवाद करते हैं और उस संवाद को वो डिलीवर भी करा लेते हैं। इसका नतीजा हमको 2022 के चुनाव में देखने को मिला था। समाजवादी पार्टी उस इलाके की कई सीटें जीती और कहा गया कि राजभर मतदाताओं ने भर के समाजवादी पार्टी और राजभर के कैंडिडेट को वोट दिए। तो राजभर ने तो अपनी जो है उसी कही कहा में बात कह दी, कार्यकर्ता बेचारा सीरियसली ले गया और फिर थानेदार। और ये तो ऐसी भाजपा की सरकार है जिसमें कहा जाता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की भी बहुत जगह नहीं सुनी जाती, वो खुद भी दरोगाओं के पीछे भाई साहब करते फिरते रहते हैं। तो थोड़ा कार्यकर्ताओं को नेताजी की बात को जो है समझ के चलना चाहिए। और गुरु जीवन का एक मंत्र है, हमारे गुरु जी ने हमको दिया था कि बेटा कहाँ टांग अड़ाना है और कहाँ टांग हटाना है। अगर आदमी ये सीख जाए तो कभी फंसेगा नहीं, कभी लड़बड़ा के गिरेगा नहीं। शुक्रिया।